हम सब सबका सौभाग्य है कि जब हम भारत के इतिहास का अवलोकन करते हैं, भाइयों बहनों, विकास की बात बहुत होती है और विकास के साथ हमें सतत रूप से आगे भी बढ़ना चाहिए। दुनिया में जहां कहीं भी प्रगति हुई है उसको देखना, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना ये बुरी बात नहीं है। हम मंगल ग्रह तक की यात्रा आज कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात होने लग गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन सब के साथ हम सबको याद रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के गौरवशाली क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इतिहास की गलतियां भी हमें उसका परिमार्जन करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। हम जब किसी कार्य को करते हैं, आज भी ये व्यवस्था है कि उसकी सोशल इंपैक्ट स्टडी कराते हैं। हम समाज अध्ययन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। कहीं किसी भू विशेष का, क्षेत्र विशेष का ज्योग्राफिकल मैपिंग करनी हो तो वही कर पाएगा जिसने भूगोल का अध्ययन किया हो, ज्योग्राफी का अध्ययन किया हो। हम उससे अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आपने यहां पर अभी कीर्तन सुन रहे थे, ये सभी तो हमें भक्ति की धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है जो हमें भक्ति के माध्यम से हमारे अतीत के साथ जोड़ता है, तो हमारी भारी कार्य योजना को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तब देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के अपनी भावी योजना को भी बढ़ाता है। और सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है। गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्ति पुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी यह नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है। और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। ऐसे ही जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी, औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। शर्त एक ही, कहने के लिए गुरु तेग बहादुर एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पुंज है, एक गुरु के रूप में हम सबके लिए आराध्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश और अपने धर्म के उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया।
और देश और धर्म के लिए कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब गुरु तेग बहादुर जी की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों के बलिदान की बात आएगी, तो ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सब के लिए इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों के साथ साथ इतिहास की उन गलतियों के परिमार्जन का भी एक अवसर प्रदान करता है, जो एक साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की परंपरा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करके फिर एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेगी। और आज राजभवन का यह कार्यक्रम उस दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ पंजाबी एकेडमी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज की इस पवित्र 401वें प्रकाश पर्व को इस भव्यता के साथ यहां पर आयोजित करने के इस कार्यक्रम में स्वयं भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में वे स्वयं भी उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने साहबजादा दिवस पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए थे और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने इस दिवस को बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक मान्यता दी। लखनऊ में हमारा याहियागंज का जो गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृतियों से और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं स्पेशली पटना गया था, मैं पंडा साहिब के दर्शन करने के लिए, कि किन परिस्थितियों में उस कालखंड में भी कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म वहां पर होता है, कैसे बचपन में उनको वहां से उनकी सवारी लखनऊ में आती है, अलग अलग स्थानों से होती भी फिर निकलती है और आज भी स्मृति हमारे पास जुड़ी हुई है। और जब आज यहां पर हमारे श्री सिंह साहिब अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी यहां पर आए हैं और सिरसा जी भी हैं, मैं इन सबसे ही कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में एक बहुत समृद्ध परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उसके उपरांत की सिख परंपरा में जो भी यहां की उस परंपरा के साथ जुड़ करके जो कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और इस परंपरा को छोड़ने बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है, हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। 401वें प्रकाश पर्व का आयोजन हम सब यहां पर आयोजित कर रहे हैं, बाहर बरसात पड़ रही थी और उस समय यहां पर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की यात्रा जब यहां पर आई, आपने देखा होगा उस समय स्वयं ही इंद्र भगवान भी कुछ देर के लिए थम गए, एकदम शांति हो गई। और जब साहेब जब यात्रा अंदर प्रवेश कर गई तो उसके बाद फिर इंद्र भगवान ने अपना कार्य भी शुरू किया। हमारे यहां तो हमेशा किसी भी पवित्र कार्य के पहले था कि भाई कहीं किसी सरदार बलदेव सिंह ओलक को जल छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ईश्वर ने कहा कि चले हम पहले ही प्रसाद से सब ठीक कर लें। आपने देखा होगा सब कितने दिनों से हम बारिश के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज ये कार्यक्रम यहां पर होना था, लखनऊ में बारिश होनी शुरू हो गई, कितनी शानदार बारिश हुई है, मौसम भी खुशनुमा हो गया और हम इस अवसर पर यहां पर इस आयोजन के साथ आयोजित कर रहे हैं। कहीं कोई भय नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, हर उत्साह है, उमंग है, इसलिए क्योंकि ये परंपरा हमारी अपनी परंपरा है, इस परंपरा के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या इस प्रकार के आयोजन हम ननकाना साहिब में कर पाएंगे, क्या काबुल में कर पाएंगे, क्या किसी ऐसे स्थल पर जो देश भारत से अलग हो गया, क्या उन क्षेत्रों में संभव हो पाएगा?
बहुत कठिन है, और इसलिए हम सबको इस बात बारे में ध्यान रखना होगा कि सिख गुरुओं का जो बलिदान था वह देश और धर्म दोनों के लिए समान रूप से था, और वह हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वीं इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देते हुए, आप सभी का यहाँ पर आए हुए हमारे अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं सरदार हरप्रीत सिंह जी का, सिरसा जी का, हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। मैं यहाँ पर पंजाबी अकादमी से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। आज इन्होंने यहाँ पे अपने पंजाबी अकादमी से जो कार्य इन्होंने रचनात्मक कार्य किए हैं और पंजाबी को लोक भाषा के रूप में प्रचलित करने के लिए क्या कुछ होना है, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ प्रकाशन यहाँ पर किए हैं, और प्रकाशन का यहाँ पर विमोचन और उसके एक साइट भी महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा यहाँ पर अभी आप सबके सामने लॉन्च की गई है। हमें इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए, और जो सकारात्मकता है समाज में, जो भी सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि गुरुमुखी सीखने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक पवित्र भाषा है, पवित्रता का प्रतीक है। अपने देश, अपने धर्म, अपनी भाषा, इन सब पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और मैं यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने उस पुस्तिका का यहाँ पर प्रकाशन करके पंजाबी अकादमी को दिया है, इसका विस्तार हो और तेजी के साथ इसको हम पाठ्यक्रम के साथ जोड़ सकें, इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको यहाँ पे स्वामी अमर निर्मल अखाड़ा के स्वामी रामेश्वरानंद जी भी आए हैं। काफी दिनों के बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि बीच में यद्यपि स्वयं डॉक्टर है और अच्छे प्रतिष्ठित चिकित्सक रहे हैं, बाद में संत हो गए, संत का बाना उन्होंने धारण किया, जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ गए, रहत अभियान के साथ जुड़े, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उन सभी क्षेत्रों में निरंतर धार्मिक जागरण के अभियान के साथ जुड़े रहते हैं। आज उनका मैं जब मैं यहाँ देखा उनको, आज तो मैं स्वयं पहुंचक था कि मुझे लगता है कि मेरी कई वर्षों के बाद उनसे मुलाकात हो रही है। मेरी उनसे मुलाकात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ही हुआ करती थी, आज वे यहाँ पर वे भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, और भी हमारे कई यहाँ पर पुराने जो ऐसे मित्र हैं जिनके साथ अक्सर हमारी मुलाकात होती थी, वे आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको इस अवसर पर बधाई देते हुए इस पवित्र आयोजन को हमें निरंतरता प्रदान करनी चाहिए, एक निरंतरता प्रदान करनी चाहिए। और यह अच्छी बात है सिख परंपरा में कि कम से कम इन पर्वों के अवसर पर सभी लोग एकजुट होकर के हम उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। मैं वही बात कर रहा था अभी महामहिम राज्यपाल जी से कि हमारे गुरुद्वारे जितने हैं वहां चले जाओ, वहां लंगर जरूर मिल जाएगा, कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं रहता है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं पूछा जाता, हर व्यक्ति जाता है। कहीं भी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान है, वो गुरु परंपरा से मिली हुई पहचान, कोई भूखों नहीं रहेगा। धर्म का ही ये कार्य है, और मुझे लगता है कि ये सब कार्य है कि हमें पहचान दिलाते हैं, ये हमारी मानवीय संवेदना का कार्य है। और दूसरा, जहां देश और धर्म की बात आएगी तो वहां पर हम लोग अपने तरीके से फिर उसके लिए कार्य